हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ बनाएंगे करेले की कलौंजी और करेले के छिलके की सब्ज़ी। ये दोनों ही रेसिपी इतनी ज़बरदस्त होने वाली है कि जो भी खाएगा वो बता ही नहीं पाएगा कि ये करेले की छिलके की सब्ज़ी और करेले की कलौंजी इतनी टेस्टी हो सकती है कि बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। एक बार ये रेसिपी आप देखिए ज़रूर पूरी। रेसिपी अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये 500 ग्राम करेले हैं फ्रेंड्स, इसको हमें छील लेना है। धुल के मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसको हमें चाकू से छीलना है, किसी छीलन की सहायता से नहीं छीलना है, क्योंकि इस जगह पे मैं इसके करेले के कलौंजी के साथ साथ में करेले के छिलके का भी यूज करूंगी। इसकी सब्ज़ी भी बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स। आप इसके बाद, इस रेसिपी को देखने के बाद, आप कभी भी करेले के छिलकों को फेंकेंगे नहीं, गारंटी है मेरी इस बात की। तो करेले छिलके तैयार हो गए हैं और करेले के छिलके को भी मैंने छील लिया है यहाँ पे। अब क्या करना है कि करेले में चाकू की सहायता से ऐसे थोड़ा सा चीरा लगा देना है आपको। बीज नहीं निकालना है अभी आपको, यहाँ पे सिर्फ चीरा लगा दीजिएगा। जैसे भी बीज हों, इसमें पके हों या कच्चे हों, आप रहने दीजिए उसको। बस ऐसे छिलका जो है इसका काट के छिलके में ऊपर ऊपर से छोटा सा चीरा लगा दीजिएगा कि बाद में आपको जो है आसानी हो। तो सारे करेले में जो है हमको इसी तरीके से चीरा लगा देना है फ्रेंड्स। एक बार आप पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत काम की वीडियो है और आपके बहुत काम आने वाली है। सारे करेले में चीरा लगाने के बाद एक कुकर ले लेना है हमको यहाँ पे। अच्छा, ये काम आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं, कुकर में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे एक ग्लास पानी ऐड कर देना है, उसमें सारे करेले ऐड कर देने हैं, 2 से 3 चम्मच दही ऐड कर देना है। अगर आपके पास मट्ठे वाली दही हो फ्रेंड्स तो आप एक ग्लास वही ऐड कर दीजिए, उसी में उबाल लीजिए, ज़्यादा पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास नहीं थी तो मैंने ऐसी वाली दही डाली है। और 1 चम्मच नमक डाल दीजिए भर के इसमें, और गैस पे रख दीजिए कुकर का ढक्कन बंद करके, और इसमें लगा दीजिए 3 से 4 सीटी। लीजिए, 3 सीटी आई है और करेले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब क्या करना है, इसमें से हमें अपने करेलों को निकाल कर एक प्लेट में रख लेना है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो बीज है वो इसी तरीके से हैं, करेले हमारे पक गए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि इन करेलों को रखना है धूप में। तो चलिए, 2 से 3 घंटे की करेले में आपको धूप दिखानी है। उसके बाद एक मिक्सी जार यहाँ ले लिया है और इसके लिए हमें एक पेस्ट तैयार करना है, क्योंकि हम भरवा करेले बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 कच्चा आम बारीक बारीक काट के ले लिया था, वो डाल दिया है, और 2 प्याज हमने ले लिया है, वो डाल दिया है। प्याज यहाँ पर आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, और लहसुन भी बारीक बारीक पीस सकते हैं, सिलबट्टे पे भी ये काम कर सकते हैं। और लहसुन ज़्यादा थोड़ा डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपके मसाले में, भरवा करेले में। तो देखिए, अब पेस्ट तैयार कर लिया है, पानी डाल के बिल्कुल भी मत पीसिएगा, सूखा सूखा पीसिएगा। थोड़ा मोटा दरदरा रहेगा तो चलेगा, लेकिन पानी मत ऐड करिएगा। यहाँ पे एक मसाला मैंने ले लिया है, यहाँ पे ये जो मसाला है ये 4 चम्मच धनिया रोस्ट करना है आपको, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, और 1/4 टेबल स्पून जो है आपको लेना है कलौंजी। इन सबको रोस्ट करके ग्राइंड करके रख लीजिएगा मिक्सी में। ये मैं पीस के रखती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं वही मसाले यूज करती हूँ। अब यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने, और यहाँ पे डाल दिया है मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर और सरसों का तेल। तेल मैं गरम करके डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो कच्चा तेल भी डाल सकते हैं। ये एक्चुअली में रेसिपी हमारे सासू माँ की है, वो ऐसे ही बनाती थी और सभी को बहुत पसंद आता था, तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, उन्होंने मुझको ऐसे ही बनाने को बताया है, तो मैं भी ऐसे ही कलौंजी बनाती हूँ, क्योंकि यही तरीका हमारे घर में सबको पसंद आता है। एक तरीका और है कलौंजी बनाने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन, वो भी उनका स्पेशल तरीका है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब गरम तेल डालने से मम्मी बोलती थी कि एक फ़ायदा होता है कि हमारे जो ये प्याज और लहसुन और जो मसाले हैं, हल्दी, ये बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आता है इसमें। गरम तेल डालने से ये हमारे सारे मसाले जो है रोस्ट हो जाते हैं। अब इस स्टेज पर तेल मिलाने के बाद में, जब आप इन मसालों को चम्मच से हाथों पे रख के आप चख के देख लीजिएगा, तो इतने टेस्टी लगते हैं ये मसाले
कि जो है आप बिल्कुल भी जान नहीं पाओगे कि ये जो है कच्चा मसाला है, इतना अच्छा लगता है। अब आप अगर चाहें तो तेल कम डाल सकते हैं, कम क्वांटिटी में ऐड करिए यहाँ पे। और मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। करेला हमारा देखिए 2-3 घंटे हमने धूप में रखने के बाद इस तरीके से हो गया, इसका पानी सूख गया है। अब हमको क्या करना है, अगर आप बीज नहीं निकालना चाहते हैं, वैसे मम्मी तो कभी कभी बीज नहीं निकालती थी, ऐसे ही एक साइड से निकाल देती थी और बाकी ऐसे ही भर देती थी, और जो दूसरे साइड से बीज निकालती हैं वो जो है उसी में पीस लेती हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं ये बीज निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे इसको पराठे वराठे के साथ ऐसे ही काट काट के खा लेते हैं, बड़े भी, तो वो लोग कहते हैं कि बीज निकाल दिया करो। तो बीज इसका मैंने निकाल दिया है और मसाले अच्छे से भर भर के आते हैं इस करेले में फ्रेंड्स। और आपको इसी तरीके से अपने करेले को जो है एक एक करके भर के रख लेना है। अब इसको चाहें तो आप धागे से लपेट लीजिए, क्योंकि ये करेला हमारा पका है, हमें हल्का सा खाली फ्राई करना है, रोस्ट करना है, आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा तेल में तलना नहीं है इसको। तो बीज हमको ऐसे उंगली की सहायता से निकाल लीजिएगा, आराम से पूरा करेला खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाद में आप इसको एक बेसन की घोल बना लीजिएगा और उससे चिपका दीजिएगा, बेसन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है करेले में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा खोल के आराम से भर भर के मसाला डालिए इस करेले में, कि जो एक बार इस कलौंजी को खा ले वो इसके स्वाद को कभी भी भूल ना पाए, इतना टेस्टी बनता है ये करेला फ्रेंड्स। तो सारे करेले हमने भर के तैयार कर लिए हैं, ये करेला आप भर के तैयार कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लिया है। अब एक हम ब्रश ले रहे हैं, बहुत पतली सी लेयर इसी बेसन की जो है आपको इस करेले पे लगा देना है। किसी को पता ही नहीं चलता है कि खाके कि इसमें बेसन भी लगा है, लेकिन एक्चुअली में लगा होता है कि हम जो है हमेशा बेसन ही लगा के करेला ये बनाते हैं। और उसके बाद तेल ले लिया है, यहाँ पे 4 चम्मच तेल मैंने डाला है टोटल इस करेले को, क्योंकि इसी इतने तेल में मैंने छिलके भी पका लूँगी करेले का। और जिस तरफ से हमने बेसन लगाया है पलट के, ये उसी साइड से आप जो है पैन की तरफ रख के तेल को जो है करेले जो है बिछा दीजिए पैन में अपने सारे करेले। अगर आपका पैन बड़ा है तो सारे करेले आप एक साथ बना सकते हैं। अभी देखिएगा मैं 500 ग्राम करेले एक ही पैन में सारा डाल दूंगी एक के बाद एक, जैसे जैसे मैं लगाती जा रही हूँ, मैं डालती जा रही हूँ बेसन लगा लगा के। और उसके बाद हम पलट के दूसरे तरफ से सेक लेंगे और मेरे करेले बहुत अच्छे गोल्डन कलर से तैयार हो जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। आपको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी हो जाता है। आपको पता है पहले तो मम्मी को मैंने देखा है कि तावे पर वो बना लेती थी ये कलौंजी और बहुत अच्छी बनती थी। तो ये कलौंजी बहुत टेस्टी होती है फ्रेंड्स, ये जो भरवा करेले होते हैं ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको ऐसे ही अगर काट काट के खा लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम करेले की कलौंजी खा रहे हैं या किसी और चीज़ की, क्योंकि इतनी अच्छी होती है ये, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। तो देखिए सारी कलौंजी हमारी इसी तरीके से अलट पलट कर मैंने फ्राई कर लिया है और तैयार हो गई है। तो देखिए जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में ये उतनी ही टेस्टी लगती है। इसको अलग से ये नहीं है कि बच्चे मसाला निकाल के खा लेंगे और इस छिलका फेंक देंगे, कोई नहीं फेंकता है और सब ऐसे ही काट काट के खाते हैं कलौंजी, ये इतनी अच्छी बनती है कलौंजी। और आप इसको आराम से फ्रिज में रख के 15 दिन खाइए, और 3 से 4 दिन अगर आप इसको बाहर रखे रहेंगे तो भी आपकी कलौंजी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें ना तो प्याज कच्चा पड़ा हुआ है और ना तो लहसुन, सारा कुछ रोस्ट है। तो तैयार हो गई है हमारी कलौंजी, चलिए छिलका बना लेते हैं। उसी पैन में तेल बचा हुआ है, देखिए 2 ही चम्मच में करेला फ्राई हो गया, 2 चम्मच लगभग तेल बचा है। अब इसके छिलके में मैंने नमक डाल के जो है एक बार वॉश कर लिया है करेले के छिलके को। अब उस छिलके को मैं इसी पैन में बिछा दूंगी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का फ्रेंड्स। और जो बाकी के मसाले बचे हुए हैं उसको मैं इस पे डाल दूंगी, जिससे मैंने करेले भरे थे, जो करेले की स्टफिंग थी भरवा करेले की। और उसके बाद इस पे हमें ऐड कर देना होगा दही। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें दही डाल दूंगी मैं, यही इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। और नमक वगैरह आप खुश मत डालिएगा, क्योंकि छिलके में आपने नमक थोड़ा सा डाल के धुला होगा, नहीं भी धुला होगा तो आपके मसालों में नमक है उतना पर्याप्त है। अगर वैसे भी बनाएंगे थोड़ा बहुत कड़वा अगर आपको पसंद होगा तो नमक डाल के धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बनाइए।
अब इसको ढक के हमें मीडियम से लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। पहले एकदम लो फ्लेम पे आप ढक दीजिए स्टार्टिंग में, सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और ये जो करेले की आप जो बना रहे हैं, छिलके की भुर्जी जो बना रहे हैं हम फ्रेंड्स, ये जलेगा नहीं। कि आप सोचेंगे कि ये कड़वा ना लगे उसके लिए हम इसको जला जला के बिल्कुल राख बना दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है बहुत लोग भुर्जी बनाते हैं बिल्कुल कुरकुरा करने के चक्कर में कि कड़वा ना लगे, तो आप कुरकुरा करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। बस इसको अच्छे से भून लीजिएगा दही और मसालों के साथ में। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने ढक के पका लिया है इसको। अब मीडियम फ्लेम करके हमें इसको भून लेना है फ्राई पैन में अच्छे से, और देखेंगे कि जो करेले इसमें हमारे हैं वो बिल्कुल हरे हरे करेले हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसके चेंज नहीं हुए हैं कलर, बिल्कुल हरे हरे करेले हैं। और तैयार हो गई है हमारी जो ये टेस्टी टेस्टी करेले की जो सब्ज़ी है। ये सब्ज़ी आपके बच्चे भी खाएंगे बहुत मन से। अगर आप इसके टेस्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 चम्मच बेसन भी भून के डाल सकते हैं, और अच्छा टेस्ट ज़बरदस्त आएगा आपके करेले में। लेकिन कुछ भी डालने की ज़रूरत वैसे नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये करेला वैसे ही बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी आपको खाने में मतलब पता नहीं चलेगा, कोई जान ही नहीं पाएगा कि हम ये करेले की सब्ज़ी खा रहे हैं। तो आज की ये दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी, भरवा करेले और करेले के छिलके की सब्ज़ी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।